ओके सर, चलो बता। सूरज, आज मैं तमाम साथियों से, बिलखसूस मेरी जमात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पद अधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हूँ। मणिपुर में गुज़िश्ता कई दिनों से 3 मई से फसादात का एक सिलसिला शुरू हुआ है। वो इतने भयानक और हवनाक हैं कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। एक मखसूस खबीरे को, अखिलेती तबके को टारगेट किया जा रहा है। कुकीज को, नागास को और तमाम दूसरे ट्राइब्स को तकलीफ दी जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बात का फख्र हासिल है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहले दिन से इन फसादात के खिलाफ में बयान दे रहे हैं और इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे अमन और अमान और शांति हो। बहुत दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत दिनों के बाद जागे, वो भी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मसले पर अस्खुद नोटिस लिया। हमने ये तय किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की यूनिट हर जिले में, जहां पर डिविजनल हेडक्वार्टर है तो डिविजनल कमिश्नर के पास, जिला का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तालुका हो तो तहसीलदार के पास निवेदन देंगे, एक मेमोरेंडम देंगे। वो मेमोरेंडम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम पर होगा। उसमें हम ये बातें मांगनी के तौर पर पेश करेंगे। सबसे पहले मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल राज या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। दूसरा, जिस जिस की मौत वाकई हुई है इन दंगे फसाद में, उसको 50 लाख रुपया इमीडिएट उनके रिश्तेदारों को मदद के तौर पर, कंपेंसेशन तौर पर दिया जाए। जो जख्मी है उनको कम से कम 5 लाख और जो ज़्यादा जख्मी है उनको 10 लाख रुपये दिया जाए मुआवजे के तौर पर। हम ये भी मांग करते हैं कि आर पार्टी डेलीगेशन, जिसमें पार्लियामेंट के तमाम पार्टीज जो हैं वो डेलीगेशन मणिपुर को भिजाया जाए, हुकूमत इसमें पेशकदमी करे ताकि मणिपुर में अमन व अमान कायम हो सके और जो फसाद से मुतासरीन हैं उनको कुछ राहत मिल सके। जो जो इबादत गाहें तबाह कर दी गई, जगा दी गई, नुकसान कर दिया गया, उन तमाम का फिर से बनाना, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से करना चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मार्फत टाइम बाउंड चौकसी कमेटी बनाई जाए जो 90 दिन में रिपोर्ट दे। हम ये भी मांग करते हैं कि जो जो फसाद कराने वाले हैं, ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जिम्मेदार हैं, उनको कायदे के चौखटे में लाया जाए और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये तमाम मांगे हम अरबाब इख्तदार के जरिए भारत के प्रेसिडेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर पहुंचाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम जिला सदर, तमाम शहर सदर, तालुका सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूं कि वो निवेदन एक जिम्मेदार या तो डिविजनल कमिश्नर के पास, या तो कलेक्टर के पास, या तहसीलदार के पास दें। हो सके, मुमकिन हो तो धरना आंदोलन करके निवेदन दें, ना जहां मुमकिन ना हो वहां निवेदन दाखिल करें। कल औरंगाबाद में शहर सदर,
शारिक नक्शबंदी, जिला सदर समीर साजिद बिल्डर और मैं खुद उनके साथ जाऊंगा। यहाँ की पूरी टीम डिविजनल कमिश्नर को इन नुकात पर मबनी, इन पॉइंट्स पर बनाया हुआ मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। यही गुजारिश आपसे करना था। मैं तमाम मुहिबाना मस्जिद से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि ये खबर उन तक पहुंचे और आइंदा एक दो दिन में तमाम यूनिट्स ने अपने निवेदन जिम्मेदार अधिकारियों के पास देना चाहिए ताकि हमारी आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो मेहनत है वो जो आवाज है देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री तक पहुंच सके। शुक्रिया। खुदा हाफिज। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।